मान लीजिए मैं किसी एक कंपनी का मालिक हूं, उस कंपनी में बोर्ड ऑफ मेंबर भी होते हैं, लेकिन क्या यह संभव है कि मैं उस कंपनी को बंद करने का फैसला अकेले ले लूं? तो शायद कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े लोग जानते होंगे कि कंपनी को बंद करने या फिर चालू करने का फैसला बोर्ड ऑफ मेंबर के साथ बैठक कर लिया जाता है। तो क्या किसी लोकतांत्रिक देश को बिना संस्थाओं की सलाह के बिना कोई फैसला लिया जा सकता है? तो आपके मन में जवाब होगा, ये काफी हद तक संभव नहीं है। लेकिन हमारे देश में 24 मार्च 2020 को ऐसा ही हुआ। वो किसी तानाशाह के शटर बंद करने जैसा फैसला था, क्योंकि बिना किसी संस्था को लूप में लिए बगैर देश को शटडाउन कर दिया गया। ऐसा करने के पीछे क्या वजह रही होगी? प्रधानमंत्री को किस बात की चिंता सता रही थी? क्या प्रधानमंत्री को अपनी इमेज खराब होने की चिंता थी कि इतिहास में कहीं ये ना लिख दिया जाए कि जब महामारी आई तो हमारे प्रधानमंत्री ने राज्यों के भरोसे लोगों को छोड़ दिया, या फिर राज्यों के एक्शन प्लान से घबराकर खुद के एक्शन का तमाशा हमारे प्रधानमंत्री दिखाना चाहते थे? जयराम दोस्तों, मेरा नाम गंगा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं वॉच न्यूज। हमारी कोशिश होती है कि आप तक सही और सटीक जानकारी लेकर आए, ताकि आपको सही जानकारी मिल सके और उसके पीछे का खेल भी आप समझ सके। वैसे लॉकडाउन के पीछे की कहानी सरकार ने बड़ी सावधानी के साथ ऐसे रखी जैसे केंद्र संपूर्ण लॉकडाउन नहीं करता तो शायद काम नहीं चलता। तो फिर सवाल उठता है कि क्या राज्य सरकारें महामारी को लेकर चिंतित नहीं थीं, या फिर मोदी सरकार लोगों की नजरों में खुद को बादशाहत को बरकरार रखने की लड़ाई लड़ रही थी? इसका खुलासा बीबीसी ने एक आरटीआई के जरिए किया है, जिससे पता चलता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस फैसले की जानकारी कुछ सिपाही सलाहकारों को छोड़कर किसी को नहीं दी थी, जिसमें राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लघु सूक्ष्म उद्योग मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नागरिक उड्डयन और उपभोक्ता विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, CDS जनरल बिपिन रावत, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, सैन्य मेडिकल सेवाएं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, GST काउंसिल, रिजर्व बैंक, शेयर बाजार की नियामक संस्था सेबी जैसी कई संस्थाएं और मंत्रालयों को लॉकडाउन लगाने से पहले जानकारी नहीं दी गई थी। ऐसे में सोचिए, अगर मुझे आपके फैसले के बारे में पता ही ना हो तो क्या मैं किसी तरह की तैयारी कर सकता हूँ? बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मुझे सपने तो आते नहीं हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है जिसको पढ़कर मैं आगे की तैयारी कर सकूं। लेकिन ये खेल हमारे देश के साथ हो गया, जिसका खामियाजा सबसे ज्यादा गरीबों को उठाना पड़ा, क्योंकि हमारी सरकार ने संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से पहले जमीन पर काम करने वाली किसी भी संस्था को नहीं बताया कि देश में संपूर्ण लॉकडाउन करना है, क्योंकि अविश्वास से भरे प्रधानमंत्री को शायद अपने ही देश के नागरिकों पर भरोसा नहीं था। इसलिए साहब रात को 8 बजे आते हैं और देश के नाम संदेश में बोलकर चले जाते हैं। इसके साथ ही साफ हो जाता है कि अब अपना अपना देख लो, क्योंकि बादशाह ने लॉकडाउन का फैसला सुना दिया है। इस फैसले के साथ ही देश कुछ दिनों के इंतजार के बाद ही देश में सबसे बड़ा पलायन देखने को मिला, जिसमें कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 300 से ज्यादा लोगों की मौत या तो किसी हादसे में हो गई, या ज्यादातर लोग थकान होने की वजह से, हार्ट फेल होने की वजह से मर गए। इन आंकड़ों को सरकार ने जुटाने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि इससे अपनी नाकामी जगजाहिर होती है। वहीं श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान करीब 1 करोड़ लोगों ने घर वापसी की, जिसमें से 63.7 लाख लोगों को सरकार ने घर पहुंचाया। इसका मतलब यह हुआ कि लॉकडाउन के दौरान करीब 37 लाख लोगों ने बिना सरकारी मदद की घर वापसी की। वैसे केंद्र सरकार का मानना है कि लॉकडाउन की जरूरत थी, क्योंकि तब हमारी सरकार के पास कोविड से लड़ाई के लिए जरूरी तैयारी नहीं थी। तब हमारी सरकार ने 600 से कम कोविड केस और 9 लोगों की मौत की पुष्टि पर देश को शटडाउन किया। लेकिन सवाल है कि ऐसा मोदी सरकार ने क्यों किया? देश के 30 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने प्रधानमंत्री मोदी के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा से पहले लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया था, यह दावा बीबीसी की रिपोर्ट में किया गया है। ऐसे में क्या प्रधानमंत्री मोदी को लगने लगा था कि राज्य सरकारें कोविड की लड़ाई का श्रेय ले रही हैं? क्योंकि कोविड की तैयारी का श्रेय तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ले रहे थे, तो क्या यही कारण है कि प्रधानमंत्री मोदी ने राज्यों के फैसलों को ओवरलैप करते हुए खुद के फैसले को राज्यों पर थोप दिया? ऐसा इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री मोदी हैं, और इस महामारी से लड़ने के लिए सरकार ने आधिकारिक रूप से 8 जनवरी 2020 से काम शुरू किया।
इस दिन से लेकर 24 मार्च 2020 तक हमारी सरकार के पास करीब 2.5 महीने का समय था, फिर भी तैयारी के नाम पर प्रधानमंत्री का हवाला देकर जनता को गुमराह किया जाता रहा। और फिर 22 फरवरी 2020 को देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन लोगों के सामने आते हैं और उस दिन एक और सबसे बड़ा झूठ बोला जाता है कि भारत में मजबूत स्वास्थ्य निगरानी व्यवस्था के चलते कोरोना वायरस को देश में प्रवेश करने से रोकने में सफलता मिल गई है, जिसका खामियाजा आज तक देश भुगत रहा है। इसके बाद 5 मार्च 2020 को स्वास्थ्य मंत्री ने संसद को बताया कि पीपीई किट और N95 मास्क का पर्याप्त बफर स्टॉक है, फिर भी कालाबाजारी होने से नहीं रोक पाए। इसके साथ ही दावा किया गया कि पर्याप्त मात्रा में आइसोलेशन बेड हैं। 12 मार्च 2020 को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना महामारी को वैश्विक महामारी का दर्जा दे दिया, तब भी सरकार अपनी तैयारियों के दम पर दम्भ भरती रही। और फिर वो तारीख आ गई जब हमारे प्रधानमंत्री ने प्यारे भाइयों और बहनों कहकर लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया। आज एक बार फिर देश में हालात पहले से ज्यादा खराब हैं, लेकिन सरकार को भरोसा है कि पहले जैसी स्थिति नहीं है। ऐसे में लोगों को धैर्य बनाकर रखना चाहिए। सोचिए, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होगी वो कैसे अपनी टूटी थी सांसों के आगे धैर्य का पाठ पढ़ाएगा, जिसको दवा की जरूरत होगी वो कैसे धैर्य बनाए रखेगा, जिसको डॉक्टर की जरूरत महसूस हो रही होगी वो कैसे धैर्य बनाकर रखेगा। अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन, डॉक्टर और दवाइयों की कमी के चलते लोगों की मौतें हो रही हैं, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, तब हमारे प्रधान सेवक की तरफ से धैर्य का पाठ पढ़ाया जा रहा है। इससे ज्यादा बेशर्मी और क्या हो सकती है। एक बार फिर से आपको पिछले साल की यादों के बीच ले चलता हूं। पहले लॉकडाउन के फैसले के साथ 21 दिन का अब तक समय गुजर चुका था। उससे पहले हमारे प्रधान सेवक 14 अप्रैल 2020 को राष्ट्र के नाम संदेश में 3 मई तक के लिए लॉकडाउन को फिर बढ़ा दिया। इस बीच लोगों में हताशा बढ़ने लगी थी, क्योंकि बहुत से दिहाड़ी मजदूरों के सामने खाने का संकट खड़ा हो गया था। लोग मदद कर रहे थे क्योंकि दिहाड़ी मजदूर सड़कों पर आकर पैदल चलने को मजबूर हो रहे थे। इस पलायन के दौरान करीब 300 लोगों की मौत होती है, लेकिन हमारी सरकार इन आंकड़ों को जुटाने की जरूरत महसूस नहीं करती है, क्योंकि उसको लगता है कि ऐतिहासिक फैसले में एक बदनुमा दाग की तरह ये आंकड़े होंगे। वैसे भी इस सरकार का सच यही है कि जो इसके पक्ष में माहौल बनाने में आंकड़े काम आते हैं उनको तो प्रचारित करती है, लेकिन जो सरकार की छवि को खराब कर सकते हैं उनको ना तो जुटाती है और ना ही बताती है। एक फैसला और याद होगा, जब मोदी सरकार ने नोटबंदी का ऐलान किया था तब लोग अपने ही पैसों के लिए लाइन में लगकर मरने को मजबूर हो गए थे। इस दौरान करीब 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी, लेकिन सरकार ने कहा कि हमारे पास ऐसे कोई आंकड़े नहीं है। ऐसे ही अब सरकार किसानों के मौत के आंकड़ों को भी छिपा रही है और ना ही बताती है कि उनके कार्यकाल में कितने किसानों ने खुदकुशी कर ली। ऐसे में क्या हमारी सरकार की जिम्मेदारी अपने नागरिकों के प्रति इतनी भी नहीं है कि वो बता सके कि कौन किस वजह से मर गया। वैसे हमारे प्रधान सेवक के लॉकडाउन के फरमान का आकलन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने किया था, जिसने बताया था कि दुनिया में कोविड से निपटने के लिए सरकारी कोशिशों में सबसे ज्यादा असरदार भारत का लॉकडाउन रहा। ये तो आपने अब तक मान ही लिया होगा कि हमारे प्रधानमंत्री कोई छोटा काम नहीं करते। उनका अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि जो भी काम करते हैं सबसे बड़ा काम करते हैं, जैसे सबसे ज्यादा दिनों तक लॉकडाउन लगाने का इतिहास बनाया और देश की अर्थव्यवस्था को ऐतिहासिक गर्त में पहुंचाया। उन्होंने नोटबंदी करके इतिहास अपने नाम किया और काला धन खत्म करने का ऐलान कर दिया, जिसकी वजह से नक्सलवाद और आतंकवाद पर करारा प्रहार करने का दावा किया गया। सच तो आप भी जानते होंगे, उन्होंने सरदार पटेल की सबसे बड़ी मूर्ति बनाकर कीर्तिमान रच दिया, भले ही उनके नाम की शिलापट हटाकर सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम को अपने नाम कर लिया हो। हमारे प्रधानमंत्री मोदी आजाद भारत में सबसे बड़ा पलायन कराने में कामयाब रहे, जिसमें करीब 300 लोगों की मौत हुई है। एक बार फिर देश में कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा लोगों की मौत का रिकॉर्ड बन रहा है। ये सब कुछ मोदी की इतिहास का हिस्सा है। लॉकडाउन के चलते बड़े पैमाने पर कंपनियों में छंटनी की गई। CMII के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में देश की बेरोजगारी दर बढ़कर 8.7% हो गई थी। अप्रैल 2020 में बेरोजगारी दर 23.5% तक पहुंच गई थी और जून महीने तक 20% के आसपास बेरोजगारी दर बनी रही। फरवरी 2021 में जाकर बेरोजगारी दर 6.9% के स्तर पर लौटी। अब सोचिए, अगर इन सब चीजों में पीछे रह जाते तो दुनिया में हमारे देश की कितनी बदनामी होती।
इसलिए हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई काम नहीं किया जो सबसे बड़ा ना हो और इतिहास में दर्ज ना हो। वैसे केंद्र सरकार के ज्यादातर विभागों ने ऑन रिकॉर्ड माना है कि उन्हें देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा से पहले कोई जानकारी नहीं थी। तो क्या हमारे प्रधानमंत्री मोदी को लगता था कि मेरे पास जादुई छड़ी है, उसे घुमा दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा? उन्होंने क्यों नहीं सोचा कि हमारे देश में एक वर्ग ऐसा भी है जो सुबह कमाने निकलता है तो शाम को भरपेट खाने के बारे में सोचता है, फिर भी हमारी सरकार ने गरीबों, बेसहारा मजदूरों, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के बारे में कुछ नहीं सोचा। सरकार ने सोचा कि गरीबी हटाओ के नारे के साथ गरीबी मिट गई। ऐसा भ्रम दिमाग में तभी आता है जैसे सावन के अंधे को हर समय हरा हरा दिखाई देता है और फिर उम्मीद की जाने लगी कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। लोग सड़क पर उतरकर पलायन करने लगे तो सरकार ने ट्रेनों का इंतजाम किया, लेकिन उनमें भेड़ बकरियों की तरह लोगों को ठूसा गया और उनसे उम्मीद की गई कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। ये कैसे संभव हो सकता है? सोचिए, जब हमारी सरकार को अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं था, क्योंकि सरकार को डर था कि अगर लॉकडाउन लगाने से पहले लोगों को बता देते तो अफरा तफरी मच जाती, फिर भी इस सोच का असर क्या हुआ? वो तस्वीर बनने से रोक पाए क्या, जिसका डर अपने दिमाग में कुछ लोगों ने बनाया था? लोग भूखे प्यासे सड़कों पर थे, लाइनों में लगकर खाने के लिए मजबूर हो रहे थे, तब मकान मालिक को किराया कहां से देते? इस दौरान मालिकों ने लोगों को निकाल दिया, जिसका असर सड़कों पर सबसे बड़े पलायन के रूप में देखने को मिला। हमारे प्रधानमंत्री को भरोसा है कि उनकी एक अपील पर देश कठपुतली की तरह नाचने लगता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि देश आपकी उंगलियों का गुलाम नहीं था। वो डर के आगे हार गया और फिर पलायन की तस्वीरों ने दुनिया को आपके फैसले की हकीकत का आईना दिखा दिया, क्योंकि आपने देश की ज्यादातर मशीनरी और नागरिकों को अंधेरे में रखकर लॉकडाउन का फैसला लिया और उम्मीद की कि मेरे फैसले से सब कुछ ठीक हो जाएगा। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि जिन सैन्य सेवाओं से जुड़े डॉक्टर्स की मदद कोविड महामारी से लड़ने में सबसे पहले ली गई थी, उनको भी लॉकडाउन के फैसले की जानकारी नहीं दी गई और कोविड से लड़ने की तैयारी का प्रचार किया गया। इतना ज्यादा अविश्वास हमारे प्रधानमंत्री के भीतर अपने ही लोगों को लेकर कैसे हो सकता है? हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम संदेश में कहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि देश को लॉकडाउन की आर्थिक कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन हमारी प्राथमिकता जान बचाना है। लेकिन ये भी तो उतना ही बड़ा सच है कि हमारी सरकार ना लोगों की जान बचा पाने में आज कामयाब हो रही है और ना ही अर्थव्यवस्था को बचाने में कामयाब रही, और ना ही लोगों के रोजगार बचाने में कामयाब रही, ना ही लोगों को पलायन करने से रोक पाने में कामयाब रही, जिसकी वजह से हमारे देश की GDP 24% गिर गई और उसके बाद देश में विकास दर -8% की रफ्तार से हो रही है। और आज भी हमारे प्रधानमंत्री को भरोसा है कि हमारी तैयारी के आगे कोरोना हार जाएगा, लेकिन सच ये है कि आपकी तैयारी के आगे लोग हार रहे हैं, देश हार रहा है और आपको जिस लाचार सिस्टम पर भरोसा है वो असल में जीत रहा है, जिसको आप सुधारने का दंभ भरकर देश को बचाने आए थे। आज लोग अपनी जान बचाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। एक तरफ लोग अस्पताल, इलाज, दवाइयों और ऑक्सीजन के अभाव में मर रहे हैं और दूसरी तरफ मोदी सरकार में मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं कि राज्यों को ऑक्सीजन की खपत को कम करना चाहिए। ऐसे में सवाल है कि मोदी सरकार ने भारत से ऑक्सीजन निर्यात को बढ़ाने का फैसला क्यों लिया?